हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाएंगे सूप। ठंडी में सूप बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, हमने तेल डाल दिया है कढ़ाई में, तो हम थोड़ा प्याज डाल देंगे कढ़ाई में, इसको भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक ढेर सारा, देख सकते हैं। थोड़ा सी लहसुन डालेंगे, थोड़ा, देख सकते हैं आप। हरी मिर्ची डालेंगे थोड़ा, ये हमने सब बारीक पीस लिया था, दरदरा पीस लिया था, देख सकते हैं। हरी मिर्ची डाल दें, सब मिला लेंगे अच्छे से। पत्ता को भी डाल देंगे थोड़ा, अच्छे से इसको भून लेंगे। अब हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे। इसको सर्दी में ज़रूर बनाइए, सर्दी में बहुत अच्छा लगता है ये। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, ये डाल दिया है पानी हमने एक गिलास। अब हम इसमें डालेंगे अपने जो सॉस है, ये है ब्लैक सॉस। थोड़ा विनेगर डालेंगे आधा चम्मच, थोड़ा ग्रीन चिल्ली डालेंगे आधा चम्मच के हिसाब से मिला लेंगे। यह है शेजवान चटनी। तो शेजवान चटनी से टेस्ट अच्छा आता है। इसमें हम कोई कॉर्नफ्लावर नहीं डालेंगे, देख सकते हैं आप। इसको उबल ले देंगे थोड़ा, देख सकते हैं हमारा जो सूप है उबल गया है। तो इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे, देख सकते हैं हमारा सूप बन के तैयार हो गया है। इसमें हरी कांदे की पत्ती डालते तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो देख सकते हैं ये हमारा वेज सूप है। तो जो थोड़ा बच गया है इसको हम एग सूप बना लेंगे। एग को पहले एक कटोरी में मिक्स फेंट लेंगे अच्छे से, फिर इसमें हम डाल देंगे एग, देख सकते हैं ये डाल दिया हमने एग। इसको भी एक उबाल आने देंगे अच्छे से, देख सकते हैं ये उबाल आ गया है। आप देख सकते हैं हमारा एग सूप भी रेडी हो गया है। एक बार सर्दी में ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छा लगता है ये। और बहुत ठंडी होती तो अंदर बहुत गर्माहट देता है ये सूप, तो ज़रूर बनाइए एक बार, ये बहुत अच्छा लगता है। सर्दी में तो बहुत अच्छा लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय।